सम्मानित साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों जय हिंद। आज के इस कालखंड में इस वीडियो में हम प्रत्ययों के अंतर्गत जो प्रत्यय के दो प्रकार हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, इनकी क्या पहचान है और हम इनको किस प्रकार से पहचान सकते हैं, इस संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ मेरे पीछे देखेंगे ग्रीन बोर्ड पर महत्वपूर्ण जानकारी इस संदर्भ में मैंने लिख कर रखी। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रत्यय का अर्थ क्या है। यहां देखेंगे प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अय। ठीक है, यहां पर इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। प्रति शब्द का अर्थ है साथ में या पीछे। ठीक है, अर्थात किसी शब्द के साथ या उसके पीछे, ये आशय हुआ। और अय का मतलब है, यहां पर आप देखेंगे, चलना या आना। पूरे का अगर हम अर्थ देखें तो क्या होगा, किसी शब्द के पीछे या उसके साथ में चलना या उसके साथ में आना, यह आशय हुआ। अर्थात ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़ करके उसके साथ में आते हैं, ऐसे शब्दों को या ऐसे शब्दांशों को हम प्रत्यय कहते हैं। अभी और भी हम उदाहरणों के माध्यम से इनको समझेंगे। आगे देखिएगा, मूल बात इस कालखंड में हमको करना है कृदंत और तद्धित प्रत्यय के संदर्भ में। तो कृदंत प्रत्यय क्या होते हैं और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कृत प्रत्ययों की। ठीक है, तो कृत प्रत्यय, कृदंत से कृत बना, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं तो उसको समझ लीजिएगा, क्रिया शब्द या धातु या मूल क्रिया के अंत में जुड़कर उस मूल क्रिया को संज्ञा शब्द या विशेषण शब्द में बदल दे, ऐसे प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनसे बने नए शब्द को कृदंत कहा जाता है। विद्यार्थियों, आप लोगों ने समझ लिया होगा कृत प्रत्यय क्या होते हैं। ऐसे प्रत्यय जो किसी क्रिया के पीछे जुड़ते हैं, क्रिया शब्द, अब क्रियाओं के बारे में आपको भली भांति ज्ञात होगा, ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने का बोध हो, तो ऐसे शब्दों के अंत में जो शब्दांश जुड़कर आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय लगने के पश्चात इनसे जो बनने वाला जो शब्द होता है वह या तो संज्ञा शब्द होता है या विशेषण शब्द होता है, तब ऐसे शब्दों को हम कृत प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण समझिएगा, यहां देखिएगा लिख। अब लिख जो शब्द है यह एक क्रिया शब्द है, लिख। ठीक है, अब लिख शब्द में अगर हम आई प्रत्यय जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, लिख में आई जोड़ेंगे तो लिखाई हो जाएगा, और लिखाई शब्द क्या हो जाएगा, एक संज्ञा शब्द हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा शब्द बन जाएगा। यहां पर क्रिया थी और क्रिया में यह प्रत्यय जुड़ा आई, और इससे जुड़ करके ये नया शब्द बन गया लिखाई, और लिखाई एक संज्ञा शब्द है। तो क्रिया शब्द में जो प्रत्यय आया और प्रत्यय जुड़ने के पश्चात नया शब्द बना और नया शब्द एक संज्ञा शब्द बन गया, तो ऐसे प्रत्यय अर्थात आई जो प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। इसी तरह से बोल शब्द में हम ई जोड़ दे, ठीक है, क्या हो जाएगा, बोली। अब बोल क्या है, एक क्रिया शब्द है और उसमें ई प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया, बोली। तो बोली शब्द में क्या बन गया, एक संज्ञा शब्द बन गया। ठीक है, इसी तरह से सज, सज एक क्रिया शब्द है और उसमें अगर हमने आवट जोड़ दिया, आवट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सजावट। ठीक है, तो सजावट एक विशेषण शब्द बन गया, यानी यहां पर क्रिया शब्द थी, क्रिया में आवट जुड़ा तो सजावट हो गया और यह एक विशेषण शब्द हो गया। अब विशेषण कैसे, इसको समझ लीजिए, कमरे की सजावट बहुत अच्छी है। अब कमरे की सजावट कह रहे, सजावट किसके लिए उपयोग हो रहा है, कमरे के लिए, तो सजावट शब्द विशेषण हुआ ना। तो यहां पर आप देखेंगे सज एक क्रिया थी और उस क्रिया में आवट प्रत्यय जुड़ करके सजावट बन गया, और सजावट शब्द एक विशेषण शब्द है, इसलिए यह जो आवट प्रत्यय है वह कृत प्रत्यय कहलाएगा। इसी तरह से पी, पी अर्थात पीने से ऐसा क्रिया शब्द है और इसमें अक्कड़, यदि अक्कड़ हम प्रत्यय जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, पियक्कड़। ठीक है, और पियक्कड़ एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, शराब, अति शराब पीने वाले को पियक्कड़ कहते हैं, तो ये संज्ञा शब्द बन गया। तो यहां पर अक्कड़ जो है ये कृत प्रत्यय कहलाएगा। तो आप लोग अब समझ गए होंगे भली भांति कि किसी भी क्रिया में यदि
कोई प्रत्यय जुड़ता है और वो प्रत्यय जुड़ने के पश्चात जो नया शब्द बनता है वह नया शब्द एक संज्ञा शब्द या विशेषण शब्द होता है, तब हम ऐसे प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और बने हुए नए शब्द को कृदंत कहा जाता है। आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं तद्धित प्रत्यय की। अब तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जब किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है जिससे नया शब्द बनता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखिए कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो सीधे संज्ञा शब्द में लगते हैं या सर्वनाम या विशेषण शब्द में लगते हैं, ठीक है, और उनसे नया शब्द बनता है, तब ऐसे प्रत्ययों को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ऊपर वाले में क्या था? कृत प्रत्यय में, उसमें क्रिया में जुड़ करके नया शब्द बनता है तो उससे संज्ञा या विशेषण शब्द बनता है नया शब्द। और ये जो तद्धित प्रत्यय है ये सीधे संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़ते हैं और नया शब्द बनते हैं, और नया शब्द भी संज्ञा सर्वनाम मिश्रण ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रत्ययों को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण देखिएगा, चतुर। चतुर एक विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है? विशेषण शब्द है, और इसमें आई जुड़ क्या हो गया? चतुराई। इससे क्या बन गया? एक संज्ञा शब्द बन गया, चतुर धन आई बराबर चतुराई, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे खेत, खेत एक संज्ञा शब्द है और इसमें ई प्रत्यय जब जुड़ गया तो क्या हो गया? खेती, ठीक है। तो खेती क्या हो जाएगा? ये भी एक संज्ञा शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब यहां मुख धन या बराबर मुखिया, तो यहां पर जो या है मुख क्या है? एक संज्ञा शब्द है, इसमें ये या जो तो मुखिया बन गया, योनी संज्ञा शब्द होगा। भूख धन आ भूखा, तो भूखा जो शब्द है ये एक विशेषण शब्द बन गया और एक भूख क्या है? ये संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो आपने देखा कि ऐसे शब्द जो संज्ञा हो सकते हैं, सर्वनाम हो सकते हैं, विशेषण हो सकते हैं, उनमें यदि कोई नया प्रत्यय जुड़ता है और जुड़ करके मान लो संज्ञा शब्द था और प्रत्यय जुड़ करके उसमें विशेषण शब्द बन गया, या संज्ञा शब्द में कोई प्रत्यय जुड़ा और उसे संज्ञा शब्द ही बन गया, तो ऐसे प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। सीधी सी पहचान आपको ये रखनी है इसमें कि क्रिया शब्द में यदि कोई शब्दांश जुड़ता है उस शब्द के अंत में और जो नया शब्द बनता है, ठीक है, वो शब्द संज्ञा या विशेषण होता है, तब वहां पर कृत प्रत्यय होते हैं। उन प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनको हम उन जो शब्द नए शब्द बनते हैं उनको कृदंत कहा जाता है। और तद्धित में संज्ञा सर्वनाम विशेषण में ही कोई प्रत्यय जुड़ता है और जो नया शब्द बनता है या तो वो विशेषण होता है, संज्ञा होता है, तो ऐसे प्रत्ययों को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो साथियों एवं विद्यार्थियों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कृदंत और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं और ये किस प्रकार बनते हैं। अब देखिएगा एक बात, यहां पर हम देखेंगे जैसे ई यहां पर भी है और ई यहां पर भी है, अर्थात कृदंत प्रत्यय में भी ई आया है और तद्धित प्रत्यय में भी ई आया है। अब इसकी हम पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान ये करेंगे जब हम उस शब्द को तोड़ेंगे और तोड़कर देखेंगे कि जो मूल शब्द बनेगा यदि वो क्रिया शब्द है तो वहां पर ये कौन सा प्रत्यय होगा? कृत प्रत्यय होगा। और जैसे यहां पर खेत, खेती को हम तोड़ देंगे और इसमें खेल शब्द बनेगा तो ये संज्ञा शब्द बनेगा, तब हम यहां देखेंगे तो ये वाला तद्धित प्रत्यय होगा। अर्थात वही प्रत्यय कृत प्रत्यय भी होगा और वही प्रत्यय तद्धित प्रत्यय भी होगा, केवल उसकी पहचान ये होगी कि जब आप शब्द को तोड़ेंगे और प्रत्यय को अलग कर देंगे तब जो मूल शब्द बनेगा और मूल शब्द को आप देखेंगे कि वो क्रिया है तो वहां पर वो शब्द, वो जो शब्दांश है वो कृत प्रत्यय होगा, और यदि जो मूल शब्द है वो संज्ञा सर्वनाम मिश्रण होगा तो वहां पर वो तद्धित प्रत्यय होगा। तो साथियों एवं विद्यार्थियों, आशा करता हूं आपको इस कालखंड में मैंने जो भी जानकारी दी है वह अच्छी तरह समझ में आई होगी और यह जानकारी आपको काफी ज्ञानवर्धक और उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड में पुनः मुलाकात होगी किसी नई जानकारी, नए प्रकरण को लेकर। तब तक के नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।